क्रिप्टो करेंसीज के अच्छे दिन फिलहाल खत्म हो गए हैं। दरअसल ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा के सीईओ नितिन कामत ने क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू में तेज गिरावट का अनुमान जताया है। उनका कहना है कि पिछले हफ्ते पेश बजट में क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर 1% TDS लगाने का ऐलान किया है। इसका बड़ा असर क्रिप्टो करेंसीज की खरीद फरोख्त पर पड़ेगा। ज़ीरोधा के को फाउंडर और सीईओ नितिन कामत ने कहा कि बजट में मैं इस पर गौर नहीं कर पाया था कि सभी क्रिप्टो ट्रेड पर 1% TDS लगेगा। ये सोने पर 0.1% TDS की तरह है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में मुझे लगा कि TDS सिर्फ क्रिप्टो से मुनाफे पर लगाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 1% TDS के चलते इंडिया में क्रिप्टो का वॉल्यूम 1 जुलाई से तेजी से गिरेगा। क्रिप्टो पर TDS का नियम इस साल 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। फाइनेंस बिल 2022 में क्रिप्टो करेंसीज पर टैक्स के नियम के बारे में स्पष्टीकरण शामिल है। बजट में कहा गया कि वर्चुअल डिजिटल असेट से मुनाफे पर 30% के स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा। क्रिप्टो पर टैक्स लगाने के मामले में इसी तरह की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी नहीं दी गई है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को छोड़ किसी तरह के डिडक्शन की भी सुविधा नहीं होगी। कामत ने कहा कि 1% TDS का मतलब है कि रोजाना ट्रेड वैल्यू का 1% प्लेटफॉर्म की तरफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। पिछले कुछ सालों में इंडिया में क्रिप्टो खासकर बिटकॉइन में निवेश तेजी से बढ़ा है। अभी इंडिया में क्रिप्टो के 1.5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स होने का अनुमान है। सरकार ने कहा कि वे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के लिए व्यापक नियम और कानून बना रही है। इस बारे में विचार चल रहा है। सरकार इस बारे में संसद के शीतकालीन सत्र में ही बिल लाने वाली थी। इस बिल के पारित होने पर क्रिप्टो करेंसीज में निवेश से जुड़े नियम और कानून आएंगे। इससे क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स की कई उलझने दूर होंगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।